आज तो मेरा एकदम सेट है। अच्छा मुझे पता है, तू कोक की बॉटल की कवर में जो चीट बना के लाई है ना, सब पता है मुझे। चुप बैठ। सब बच्चे लाइन से चेकिंग कराओ अपने अपने। ना मैं तो चीटिंग करती नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चे ही ना सबसे ज्यादा चीटिंग करते हैं। मैम अच्छे से चेक कर लो। ये दिखाओ फोन। देख लो मैम। मैम हॉल टिकट चाहिए। स्लिप दे रहा हूँ। स्लिप तो घर से लेके आनी पड़ेगी। चलो जाओ। मैडम तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? ये कोल्ड ड्रिंक क्यों लेके आई हो? चीटिंग करने के लिए? मैम देख लिया, अब मैं जाऊं। पर ये कोल्ड ड्रिंक लेके क्यों आई हो? अलाउड नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। मैम आपको पता है मेरा पेट कितना खराब है, पूरे 4 दिन से तो मैं 2 नंबर में नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है हर जगह कोक लेके जाना है मुझे, वरना आप बताओगे मेरे पेट में दर्द होगा, मैं एग्जाम नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो गई तो घर वाले मुझे घर निकालेंगे, पैसे लग रहा है मैम पापा का। क्यों हो गया ना तुम्हारा प्लान फ्लॉप? मेरा प्लान तो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। बॉटल को उल्टा कर ये देख। सुनना प्लीज मुझे भी सेकंड वाला बता देगी क्या प्लीज? नहीं मैम मुझे भी हेजिटेटरी हो रही है, आप इसे कोल्ड ड्रिंक दिलवा दो ना। सपना बेटा दे दो कोल्ड ड्रिंक, शेयरिंग इज केयरिंग ना। मैम ने कोल्ड ड्रिंक बोला है, इससे ले लो मैम कोल्ड ड्रिंक। अच्छा हुआ यार तू स्कूटी लेके आ गई, मैं तो डेली लेके आती हूँ स्कूटी। तुझे पता है लास्ट टाइम ना एग्जाम हॉल के बाहर से मेरा बैग ही चोरी हो गया था। कोई नहीं तू मेरी स्कूटी के डिग्गी में रख ले। चल। ओए मुझे ना बड़ा ही डर लग रहा है, आज एग्जाम कैसे होगा? तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। हाँ जैसे तू बड़ी पढ़ाकू है। चल सपना अपने पेपर पे ध्यान दो। क्या कर रहे हो तुम, चीटिंग दे रहे हो? नो मैम, मैं तो आप चेक कर सकते हो। इसने क्या है? मैम पेन से आप खुद ही देख लो। अपना पेपर करो अपना ध्यान से। ओके मैम। और पकड़ो भी। पागल तू फोन लाई है, मरवाएगी क्या? मैम ने देख लिया तो कैंसिल कर देगी एग्जाम। चुपचाप से काम कर, तू ज्यादा पकड़वा देगी मुझे। अरे मैम आती है तो मैं पेंस की वॉलपेपर लगा देती हूँ, तू बस एग्जाम पे ध्यान दे। यार क्या मस्त एक्ट था तेरा, मजा ही आ गया आज तो एग्जाम में, है ना? वॉवल्स क्या होते हैं बताओ? वो तो मुझे आते हैं। ए जी क्यों जी? वॉवल्स में जी कब से आ गया? जी फॉर गोबर ना, जी फॉर गोबर ना, गोबर ही भरा तेरे दिमाग में बिल्कुल। कौन सा सन का फ्लावर होता है बताओ? हाँ 10 घंटे लगा, 10 घंटे लगा है ना? कुछ नहीं आता इस लड़की को। चैप्टर नंबर 4-5 का है, ये खाली क्यों है यहाँ पे पेजेस? मम्मी आप भी तो नानी के यहाँ लेके गई थी ना। तो बताएगा कौन? ना पहले क्यों नहीं बताया? नानी
जा सोनिया से फोटोकॉपी करा के ला। ठीक है, चल जा, जल्दी जा। मम्मी मम्मी ये देखो मैंने सारा कॉपी करा लिया है, पूरी रात बैठ के याद करूंगी और रिवाइज भी कर लूंगी। चलो एक तो अच्छा काम किया तूने। एक काम जो था, एक काम टू थ्री चैप्टर की फोटोकॉपी दोबारा से करा के लाइए। ये तो तेरी कॉपी में पहले से ही है। एक भी काम ढंग से कर सकती एक भी काम पहले आती हूं। निकम्मी औलाद पैदा की है मैंने, निकल जा मेरी आंखों से। अबे ओ तुझे पढ़ना नहीं है क्या? कल एग्जाम है। तुझे दिख नहीं रहा है मैं स्ट्रेस ले रही हूं। मुझे क्या, फेल तो तू ही होगी। नींद क्यों आ रही है? नहीं पढ़ रहे होंगे। अब मम्मी मैंने तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बेटा, इसे सो जाने दे, आज तो चैन की नींद। अगर कल इसका एग्जाम सही नहीं हुआ ना तो इसके चैन के साथ साथ इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, देखना तू। चल बेटा तू भी सो जा। मम्मी नहीं नहीं बस दो मिनट, ये वाला चैप्टर रिवाइज करके मैं अभी सो जाऊंगी। आप देखते हो तो क्या करती है, पूरी रात जो खराते बेच के सो रही थी ना वो सिस्टर। Just wait and watch. तुझे फेल होते हुए। मैम डन। बेटा तू तो गई, मैं ना मम्मी को बताऊंगी कि तूने कुछ नहीं किया पेपर में और जल्दी दे के और भाग गई। मम्मी हम स्कूल से आ गए और देखो हमने चेंज भी कर लिया। पेपर कैसे गया तुम्हारा? मम्मी आपको पता है ये तो पूरा आधा पेपर छोड़ के आई है, मेरा तो बस दो ही कम आएंगे। ओह हेलो, मैं पूरा पेपर करके आई हूँ। ऐसे कैसे तूने पूरा किया? जल्दी तो तू आ गई थी और तूने पढ़ाई भी नहीं की थी, रात को सो गई थी तू। तुझे एक टॉप सीक्रेट बताऊं? जब तू सो रही थी ना तो मैंने लिया दो स्केल, एक A4 शीट और अपनी किताब। मैंने उस A4 शीट को कट किया स्केल के साइज का और उस पे जल्दी जल्दी अपने सारे आंसर्स लिख लिए और उसको चिपका दिया स्केल के बीचों बीच। और मैं एग्जाम में गई, चीटिंग भी की और पकड़ी भी नहीं गई। तू क्या इतनी मेहनत करती रहती है, मेरे से पूछा ना मैं तुझे टॉप करवा दूंगी। चीटर। चल कर मेरी तरह। बता मेरी पे फोटो कैसे आई है, अच्छी है ना? मैम मे आई गो टू वॉशरूम प्लीज? ठीक है चली जाऊं। मैम वॉशरूम प्लीज। एक बार में पूरी निकलती नहीं है तुम्हारी? जाओ। नाम को बोलो मैं जाके। चीटर को कहेंगी। मैम वॉशरूम प्लीज। अबे दो बार जा चुकी है, चुपचाप एग्जाम करो। मैम वो मुझे ना लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत तेज लगी है मैम, बदबू आएगी मैम क्लास में। मैम प्लीज मैम। ठीक है जाओ। कल का एग्जाम है, ये फोन रख दे, पढ़ ले शांति से। प्लान गुड प्लेस। I'm gonna...
कमिंग। इतनी लेट आई हो तुम। सॉरी मैम। ये लो बैठो अपनी सीट पे। अरे अरे इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? अरे आई क्यों है, तू वैसे भी फेल होगी, पढ़ती तो तू है नहीं। टॉप करेगी पीछे से। Excuse me ma'am, B copy. Excuse me ma'am, another B copy. Ma'am, another B copy. Ma'am, there. ओए, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर तूने पेपर कैसे पूरा किया? बता दूं? हाँ? ऐसे। अब यहाँ तक तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था, फिर मुझे दिखी मेरी स्कर्ट और मैंने किया उसका सही उपयोग। मैंने सारे आंसर लिखे अपने थाइस पे और उसे चेपे अपने आंसर शीट पे और मेरा एग्जाम हो गया मस्त। चोटन चीटर यार, बड़ा डर लग रहा है। सुना है ना, आज दूसरे स्कूल से मैडम आएंगी क्लास में। यार स्नेहा मैम होती तो चीटिंग करने देती, पता नहीं है जो नई मैम आए खड़ूस ना निकले वो चीटिंग करने नहीं दी, फिर कैसे करेंगे। चलो अटेंडेंस ले लिया हम। उपमा मैम। मैम इट्स अनुपमा। तुम आप कुछ कहेंगी? सॉरी मैम। खड़े मैम, पेपर कैसे? खड़े खड़े एग्जाम देने का। विक्रम मैम, इट्स विक्रम। खड़े हो। सीपना। यस मैम। अपना नाम करेक्ट ही नहीं करूंगी, इन्हीं को खड़े होने दो, मस्त बैठ के पेपर लिखूंगी। मैम प्लीज बैठ जाए। अयो चेंज नहीं कर सकती ना, और अगर तू इतना ही क्रिप करती रही ना तो कल के एग्जाम में भी फेल हो जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया, उससे मूव ऑन कर और कल के लिए प्रिपरेशन कर ताकि तेरे उसमें तो अच्छे मार्क्स आए एटलीस्ट। यार कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जाम भी आने वाला है। क्या तुम दोनों बैठ के रो रहे हो? मैं हूँ ना। अच्छा तूने खुद तो पढ़ा नहीं है और हमारी कैसे हेल्प करेगी? हमारे पेपर में आके लिख देगी क्या? पास होना आता है मुझे। कैसे? हमें भी बता। ऐसे कैसे बता दूं? निकालो 500-500। मेरे पास तो नहीं है। तुम्हारे पास है क्या? सुन ना, हम कल लेते आएंगे। अब कल पैसे दोगे तो कल ही बताओ। अरे सुन, 500 तू कैसे लाएगा? मैं तो मम्मी के पर्स से ले आऊंगा। मैं अभी कुछ देखती हूँ। वेरी गुड, चलो गुप्ता सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये लीजिए। इसका मैं क्या करूं? सर खोल के देखिए। ये किस लिए? वो एक्चुअली सर हमें ना क्वेश्चन पेपर्स का जुगाड़ कराना है। इसलिए तो ये लगता है। अरे सब कहां से लाएंगे हम? अरे पागल, वो पौवे की बात कर रहे हैं। पर हम कौन कौन से लाएंगे? सर सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका जुगाड़ हम कर लेंगे, आप बस क्वेश्चन पेपर जुगाड़ लो। बाय सर, थैंक यू। चलो चलो ना। यार बोल तो दिया, हम दारू कहाँ से लाएंगे? हाँ यार हम तो बच्चे हैं, हमें तो कोई देगा भी नहीं। अबे ओ, पर तेरे पापा तो आर्मी में है ना, वो तो काम आएंगे। लेकर कर लेंगे, अगर पकड़ी गई ना तो जो मेरी सुताई होगी, और अगर फेल हुई तब भी तो सुताई होगी ना। अगर रिस्क नहीं है तो लाइफ में मजे नहीं है ना यार। सही कह रही है। तू ले आइयो कल, ठीक है? अच्छा चलो। यार बहुत दर्द हो रहा है। जुगाड़ हो गया क्या? तेरे ना चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था हमें। क्यों? तेरी वजह से हमारे पैसे भी वेस्ट हो गए। तेरे तो पैसे ही वेस्ट हुए, मेरी तो सुताई भी हो गई। कैसे?
पढ़ी नहीं थी। हाँ तो फिर पढ़ी क्यों नहीं थी? हट परे हो। चलो मेरा काम तो हो गया, अब जाके कमीशन ले लेती हूँ अपना। तो ये थी हमारी एग्जाम हैक स्पेशल वीडियो। तो अगर आपको भी ये चीटिंग हैक अपनाना है तो अपने रिस्क पे करना, हमारा नाम मत लगाना। तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कैसा लगा वीडियो को, भर भर के लाइक कर देना।